जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 है, इसमें वेरीफाई करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो पहले मैं ये बताऊंगा ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है। जी देखिए, इसका मतलब है कि इधर एक ये जैसे रॉड बैलेंस किया हो ना आपने, तो इसके ऊपर इधर वेट बांधा हो, इस वेट की वजह से ये नीचे को मूव करेगा, यानी इसमें मोमेंट होगा, दूसरे वर्ड में टॉर्क होगा, यानी ये नीचे को रोटेट करेगा। तो इस वेट की वजह से ये नीचे जो रोटेट करेगा ना, इस वजह से जो रोटेशन होगा यानी जो टॉर्क होगा या मोमेंट होगा उस वो क्लॉक वाइज होगा, क्योंकि क्लॉक भी इधर को ही चलता है। और दूसरी साइड पे ये जो दो वेट्स होंगे ना, ये इसके ऊपर इधर को रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा इधर से, यानी मोमेंट आएगा, और इधर से क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। तो ये वाला मीटर रूल ये बैलेंस कब होगा, अगर इधर वाले टॉर्क और इधर वाले टॉर्क या मोमेंट एक ही बात है, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो तब ये बैलेंस होगा मीटर रूल। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये डेफिनेशन भी है, सम ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ज़ीरो आएगा। टू कीप द बॉडी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, देखें ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी रोटेट ना करे, देखें, यानी ये बॉडी रोटेट नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब इसके ऊपर इधर वाले क्लॉकवाइज मोमेंट्स सारे, इधर तो एक ही आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स दोनों हैं। अच्छा, ये वाले एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और क्लॉकवाइज मोमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे ना, तो आंसर ज़ीरो आएगा। अच्छा, ज़ीरो कैसे आएगा? देखें, ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट्स होते हैं ना टॉर्क, ये नेगेटिव होते हैं, और जो इधर वाले आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये होते हैं पॉजिटिव। तो सपोज इन दोनों की वजह से जो टॉर्क है वो है 18, तो ये आएगा प्लस 18। अगर ये बैलेंस है ना, मीटर रूल बैलेंस हो गया, तो इधर का जो आएगा टॉर्क वो होगा नेगेटिव 18। तो देखिए, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी ये क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम ज़ीरो आएगा, तब ये बॉडी ना इधर को रोटेट करेगा ना ही इस साइड को रोटेट करेगा। हाँ जी, देखिए, वेज है आपके पास, वेज के ऊपर मैंने मीटर रूल रख दिया है। ये मीटर रूल आप इधर से देखिए, इसकी रीडिंग आपने नोट करनी है, ये 51.5 आ रही है। और ये मीटर रूल देख ले, हमने फ्लैट रखा हुआ है, तो इसकी जो ग्रेजुएटेड साइड है वो ऊपर की तरफ है। बच्चों, ये जहाँ देखिए बैलेंस हुआ है ना, इस वक्त रीडिंग यहाँ 51.5 है, तो यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने टेबल में नोट कर लेना है। हाँ जी, ये यहाँ नोट कर दें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपकी है वो कितनी आई है, 51.5 हो जाएंगे। हाँ जी, आपने फिर कोई भी वेट लेना है इस तरह, उसको थ्रेड के साथ बांध देना है, तो ये इस तरह एक साइड के लिए एक हो गया और दूसरी साइड के लिए ये, और एक और, तीन आपने इस तरह से वेट लेने और तीनों को थ्रेड के साथ टाई कर देना है। और अब आपने इस थ्रेड को इस मीटर रूल के साइड पे इस तरह गिरा बांधनी है कि ये टाइट ना हो, खुला रहे, यानी बिल्कुल ऐसे टाइट नहीं कर देना जैसे नीचे, इसको इतना यानी कि खुला गिरा बांधनी है। और ये प्रैक्टिस ज़रूर करना, कई स्टूडेंट्स को ये गिरा बांधनी भी नहीं आती। ये देखें ऐसे किया, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इतनी खुली इसको इस जगह पे एक और नॉट दे दीजिए, और इस तरह से ये देखें, ये देखें, तो ये आपने इस तरह इतनी खुली, इस तरह दूसरे दोनों वेट को भी ऐसे ही उनकी भी गिरा बांध दें।
जी तीनों गिरह हमारी रेडी हो गई हैं। देखिए ये मीटर रूल के अंदर आसानी से आगे पीछे मूव कर सकती हैं। ये अलहदा अलहदा हैं तीनों, ठीक है, सेपरेटली। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है, इन तीनों का मैस फाइंड करें आप। और मैस का एक मेथड तो ये है कि इसके ऊपर लिखा होता है मैस, जैसा कि आपको ये 10 ग्राम्स इधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, 10 ग्राम्स। हाँ जी, तो देखें फिर ये 10, 20, 30 और ये 40, और ये बेस का भी 10 होता है, ये 50 ग्राम मैस बनता है। यानी इस तरह इसका टोटल मैस 50 बना। लेकिन इसी तरह अगर आप सबका मैस फाइंड करेंगे ना, तो गलती के चांसेस होते हैं। एक तरीका यही है मैस लिखने का, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा मैस के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसको आप ऑन कर लीजिए। और यही मैस अपना देखिए थ्रेड की हेल्प से इसके ऊपर रखा, और अब देखिए 50 ग्राम तो रीडिंग नहीं आ रही, इसकी तो रीडिंग 49.05 ग्राम्स आ रही है। तो मैं ये वैल्यू लिखूंगा मैस में। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैस केजी में हो तो वेट फाइंड करने का ये फार्मूला है एमजी, यानी ये जो भी केजी में लिखा हुआ है इसको जी की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वेट आ जाता है। लेकिन अभी तो हमारे पास वेट जो है मैस है ना, वो ग्राम्स में है, 49 ग्राम्स है। तो जब ग्राम्स में हो ना मैस, तो उससे वेट फाइंड करना हो तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। ये फार्मूला माइंड में रखना है आपने। तो हमारे इसी क्वेश्चन में मैस आपको पता है 49.05 ग्राम था, वेट फाइंड करना था, तो इसी मैस को डिवाइडेड बाई 100 किया। देखिए ये फार्मूला नहीं यूज़ करना, ये मैंने वैसे ही यहाँ लिखा है। तो वैसे इसको जो भी वेट है आपका मैस, इसको डिवाइडेड बाई 100 किया तो ये आ गया आपका वेट W1 0.49 न्यूटन। 49 है ना, ये वो बाकी मैंने इग्नोर किया, 49 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.49 न्यूटन। और ये देखिए टेबल में लिखेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ जी, तो यहाँ आपने वो वेट लिख देना है। एक्चुअली फिज़िक्स के प्रैक्टिकल के अंदर ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका डेटा फिल करना। ये करेंगे, टेबल आपको बनाना होता है, टेबल के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। तो ये W1 की आपने वैल्यू पुट कर दी पहले नंबर पे। देखें जी, इस वेट को हम इस साइड पे लगाएंगे, W1 होगा। जो दूसरे दो वेट्स हैं वो आपने इस लेफ़्ट साइड पे लगाने हैं, और फिर दोबारा से बैलेंस उसी पोजीशन से ही इसको करना है। देखें जी, दूसरा वेट रखा, उसका मैस आया 39.2 है, 29, तो हमने 100 पे डिवाइड करना है तो आएगा 0.39। और ये तीसरा वेट जो हमने रखा ना, ये है 29.83। राउंड ऑफ करें तो 30 पूरा कर लें इसको। तो जब ये 30 होगा तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वेट 2 भी आ गया 0.39, और वेट 3 जो है 0.30। ये टेबल में फिल करते जाना है। अब हमने इनकी पोजीशंस फाइंड करनी है मीटर रूल पे, इनकी पोजीशन क्या है। हाँ जी, अब हमारे पास जो वेट 3 था ना W3, वो आपने इस तरह स्केल में इस साइड पे डाल देना है, और दूसरी साइड पे देखिए इस साइड पे पहले W2 आपने लेना है, जो वेट ज़्यादा वाला था आपका, ठीक है। तो वो इसमें ऐसे इंसर्ट कर दें, और एंड पे W3 जो है ना वो आपका एंड पे आए इस साइड पे, ठीक है। अब हमने इनको कुछ भी करना है, दोबारा इस वेज के ऊपर रख के ना, ये वेज नज़र आ रहा है, तो हमने इनको फिर बैलेंस करना है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताऊँ, हमसे एक मिस्टेक हो गई है। तो मैं ये देखें, ये जो आपका वेट है उसके नीचे एम्प्टी स्पेस है, इधर भी है वेट 3 और 2 में, ये जो वेट 1 है वो टच हो गया है। ये टच हो गया है तो ये बैलेंस नहीं होगा। आपने क्या करना है, वैसे तो ये ऐसे लग रहा है कि बैलेंस हो गया है, अब ये धोखा भी दे सकते हैं आप किसी को कि ये बैलेंस हो गया, लेकिन आपके आंसर्स ठीक नहीं आएंगे, वैल्यू गलत आएगी। अब ये वाला थ्रेड देखिए, इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए था ताकि ऐसे स्पेस बन जाती। अब मैं वीडियो पॉज करूँगा और इसको थोड़ा सा कम करूँगा। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमने इसको बैलेंस किया है, अच्छा खासा टाइम लगा है। ये धागे को थोड़ा सा आगे पीछे करना होता है और इधर से भी, तब बैलेंस होता है। जो चीज़ नीचे जा रही होती है ना, सपोज़ अगर ये नीचे जा रहा है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा है,
तो फिर इसके थ्रेड को थोड़ा पीछे लाना होता है। तो मैंने बिल्कुल इसको करके इस वक्त क्या सिचुएशन है कि देखें, अगर हम इसको मैं पेंसिल टच करके लेके जा रहा हूँ ऊपर, देखें अब इस साइड को आ रहा है, देखें थोड़ा मैं ऊपर करूँगा तो दूसरी साइड को चला गया। देखें अगर इधर से बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मैं टच करूँगा, अब लेफ्ट साइड से देखिए, तो ये बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। अच्छा, अब बैलेंस हो चुका है, कभी इधर आ जाता है कभी उधर आ जाता है। आपके पास यही सिचुएशन आएगी, ये देखिए ज़रा गौर से, आपके लिए वीडियो में थोड़ा सा अब बैलेंस है, इधर को आ रहा है, मैं थोड़ा सा टच किया, अभी बैलेंस है इस वक्त, अब इधर को आएगा, यस ये आ रहा है स्लोली स्लोली, देख रहे हैं। जब ये सिचुएशन है तो बैलेंस हो गया। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, सपोज ये देखें अब उस साइड को चला गया है। तो आपने ये सिचुएशन लानी है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप थोड़ी मेहनत करें ना तो इसको सेंटर में रोक सकते हैं। जैसे ये देखिए सेंटर पे रुक रहा है लेकिन इधर नीचे चला जाता है, बिल्कुल ऐसे टच कर रहा हूँ मैं पेंसिल से, बस उधर चला गया। तो जब ये सिचुएशन आई समझ लो ये बैलेंस हो गया, देख रहे थोड़ा सा आहिस्ता टच करना है और ये इस वक्त बैलेंस कंडीशन में है। तो अब आप रीडिंग्स नोट कीजिए जी, ये W1 की आप पोजीशन देखें 89.8 आ रही है, इसको 7, 8, 9 कोई भी लिख लेंगे जो हमें ज़रूरत होगी। ये जी वेट 2 है और इसकी पोजीशन आप चेक कीजिए 28.6 आ रही है, यानी 5 से आगे है अगर गौर करें आप। हाँ ये 28.5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, जो ज़रूरत होगी वो वैल्यू पुट करेंगे। और ये वेट 3 है 18.5 या 6 कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है। हाँ जी अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ जी, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही थी पहले, देखें जी ये पोजीशन देखें, W1 की पोजीशन 89.8 थी अभी मैंने आपको दिखाई, और ये जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 51.5 था, और W1 का जो रीडिंग थी वो 28.6 यानी इस स्केल के ऊपर जो रीडिंग थी, और W3 जो था वो था वेट 3 यानी 18.5, ये सेंटीमीटर में सारे रीडिंग्स हैं। ये पोजीशंस आपने इधर लिख देनी है, जैसे मैंने A जो है ना, A का मतलब है W1, उसकी पोजीशन 89.8 नोट कर ली। अब इस 89.8 में से 51.5 माइनस करें तो आंसर आएगा 38.3। ये 38.3 क्या है, ये है मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म क्या होता है, ये जो जहाँ बैलेंस किया है ना इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक जो टोटल ये इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो ये हमने क्या किया इसमें से ये वाला माइनस कर दिया, तो फिर आंसर आ गया 38.3, तो ये मोमेंट आर्म आ गया। हाँ जी आगे इसका मोमेंट आर्म W2 का, उसमें 51.5 में से आप इसको माइनस करेंगे ना तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मोमेंट आर्म, तो उसकी वैल्यू देखें 51 में से ये 28.6 माइनस करेंगे तो 22.9 आ जाएगा जी। तो फिर देखें ये भी 22.9 आ जाएगा, और W3 है उसका भी 51.5 माइनस 18.5 करेंगे तो 33 आएगा, यानी ये तीनों मोमेंट आर्म्स आ गए। मोमेंट आर्म क्या होता है, ये ना ये जहाँ से बैलेंस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस होता है ना वेट का, उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। तो इसका मोमेंट आर्म भी हमने लिख लिया, इसका भी लिख लिया और इसका भी लिख लिया, तो ये तीनों मोमेंट आर्म्स आ गए। और मैंने इधर लिख भी दिया है ये W1 का मोमेंट आर्म, ये W2 का, ये W3 का। हाँ जी अब आपने टॉर्क देखना है, ये जो W1 है ना ये इस मीटर रॉड को ये इस तरफ को नीचे को लाता है, यानी यहाँ से नीचे को लाता है, तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ना वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है क्लॉक की भी नीडल यहाँ से इधर को इसी साइड को नीचे की तरफ आती है ऐसे घूमते घूमते, तो इसका क्लॉकवाइज टॉर्क होगा और इन दोनों का टॉर्क, ये इनके टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी इस तरफ को, तो ये तो क्लॉक के ऑपोजिट चलते हैं, यानी ये स्केल को नीचे को खींच के लाएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स होंगे,
अब देखें ये अकेला टॉक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो चीज़ों के टॉक्स हैं, यानी W2 का और W3 का। अब इन तीनों के टॉक्स फाइंड करेंगे। हाँ जी, अब आप देखिए ये वेट था 0.49 न्यूटन और इसका मोमेंट आर्म 38.3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका जो टॉर्क आएगा टॉर्क T1 आ जाएगा। तो उसी से आगे जो टेबल है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क 1 आ गया 18.76। इसका यूनिट वैसे न्यूटन मीटर होता है लेकिन यहाँ टॉर्क का न्यूटन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो मोमेंट आर्म है ना ये हम सेंटीमीटर्स में ही पुट कर रहे हैं फार्मूला के अंदर। तो इस तरह ये क्लॉकवाइज मोमेंट या क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड हो गया। अब हमने टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फाइंड करना है, उसमें दो चीज़ों का होगा, ये W2 का ये वाला होगा मोमेंट और ये W3 का इस तरह से आएगा। ये देखें ना, W2 वेट था 0.39 न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई इसके मोमेंट आर्म से करेंगे और इसी तरह ये W3 0.3 न्यूटन था, 30 न्यूटन, इसको इसका मोमेंट आर्म जो 33 है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उन दोनों को ऐड करते हैं। हाँ जी, देखिए W2 को और उसके मोमेंट आर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे W3 और उसके मोमेंट आर्म को। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा, वो आया 18.8। तो ये जो क्लॉकवाइज 18.76 था, तो अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, वो आ रहा है 0.04। वैसे डिफरेंस तो बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए लेकिन जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना तो इसके अंदर इतनी वैल्यूज़ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यानी क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, इनमें अगर डिफरेंस फाइंड करें तो ज़ीरो आना चाहिए और हमारा ज़ीरो के क्लोज़ है, हम इसको भी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ले लेते हैं। तो अब इसका मतलब क्या कि जब हमने बैलेंस किया था इसको मीटर रॉड को, तो बैलेंस होता ही तब है जब ये इधर से क्लॉकवाइज टॉक और इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज टॉक ये इक्वल हूँ। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4.3 लिखा है, वेरीफाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। तो प्रिंसिपल मोमेंट्स का मतलब ये है कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल होते हैं। तो कहते हैं मेथड यूज़ करो बाय यूजिंग अ मीटर रूल। ये मैं मीटर रॉड बोल रहा था, मीटर का रॉड भी होता है और मीटर रूल है ये जिसके ऊपर लिखा होता है। तो मीटर रूल यूज़ करें, बैलेंस्ड ऑन अ वेज, तो जैसा कि हमने वेज के ऊपर बैलेंस किया था इसको, तो करना था वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब बताना था एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस ज़ीरो का आएगा, तो वो तो हमने बता दिया। तो मीन अपना क्वेश्चन ठीक हो गया। और अब देखिए, एक बार तो हमने ये कर लिया, दोबारा भी आप यही करेंगे, आप क्या करेंगे, ये तो चेंज नहीं होगा, बैलेंस पॉइंट यही यूज़ होगा और ये वेट्स भी आप चेंज ना कीजिए, वेट्स एज इट इज़ यही दोबारा आप लिख दीजिए और इसको फिर से बैलेंस कीजिए। जो आप बैलेंस करेंगे वो वैल्यूज़ आप इधर पुट कर देना। ये एक्सपेरिमेंट मैंने दोबारा परफॉर्म किया है जी, ये मैंने पोजीशंस भी लिख दिए हैं, फिर आगे इनके डिस्टेंसेस भी लिख दिए हैं, ये आप प्लीज़ नोट कर लें। उसके बाद टॉर्क फाइंड किया है क्लॉकवाइज और फिर टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स फाइंड किए हैं। ये देखो मैं टॉर्क बोल रहा हूँ, मोमेंट और टॉर्क एक ही चीज़ होती है। अच्छा, तो इन दोनों को अब मैंने माइनस किया है तो इसका आंसर ज़ीरो ही आ गया हमारा। और प्लीज़ अब वीडियो पॉज करके ये वाली रीडिंग भी नोट कर लें, क्योंकि बच्चे कहते हैं जी हमें रीडिंग ज़रूर बताएं, क्योंकि ये तीसरा एक्सपेरिमेंट करके मैंने रीडिंग्स फाइंड की हैं जी। अब ये भी नोट कर लीजिए, अब की बारी थोड़ा सा डिफरेंस आया है, पिछली बार डिफरेंस ज़ीरो था जी। ये स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमने ना इस तरह से पहले वेज पे रख के बैलेंस करके आपको दिखाया था मीटर रूल को, और ये वेट्स अब देखें रखे हुए हैं, नीचे से डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, इधर से भी देखिए वेट्स के नीचे डिस्टेंस है, ठीक है जी। तो ये मैंने वाइट पेपर रखा है आपके बताने के लिए कि नीचे डिस्टेंस आपको नज़र आ सके। तो
आप इस तरह फ्लैट रख सकते हैं। मैंने जो प्रैक्टिकल पूरा किया ना, उसमें इस मीटर रूल को मैंने वर्टिकल रखा था, यानी ऊपर को रखा था, तो आप इस डायरेक्शन में रखेंगे, इससे इजीली बैलेंस हो जाता है। इस वक्त आप इसको गौर करेंगे ना, तो ये देखिए बैलेंस है सारा। तो आप प्लीज़ इस तरह बैलेंस कर लेना। स्टूडेंट्स के लिए वो तरीका बहुत डिफ़िकल्ट है। थैंक यू।